मारे लगा भाई, जगह नहीं है। दरभंगा मदरसा यतीम खाना में आज दावते इफ्तार का पार्टी रखा गया। दावते इफ्तार का आयोजन जनता दल की ओर से किया गया था कि कई लोगों ने उसमें शामिल होकर इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठाया। शामिल हुए मुनिदेवी और उदय शंकर यादव और सभी लोगों ने इफ्तार के बाद नमाज कैंपस में ही अदा किया। उन्हें नमाज के फौरन बाद सभी लोग अब एक दूसरे से गले गले मिलकर, जी हां, आपको बता दें कि यह आयोजन दरभंगा के दुमदुमा मदरसा यतीम खाना में आरजेडी की ओर से किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय शंकर ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया था। जानते हैं अब उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस दावती इफ्तार के बारे में। आज 27 रमजान का डेट है और जहाँ पे देख सकते हैं दावत इफ्तार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आयोजित किया गया था। यह दुमदुमा मोहल्ला का यतीम खाना जो है वहाँ पे इफ्तारी पार्टी हुई है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये जो दुमदुमा करमगंज आसपास के चार गामा है, यहाँ से सारे लोग इस दावत इफ्तारी को सफल बनाने के लिए भव्य स्वागत किया, भव्य तरह से स्वागत हुआ है, सफल बनाया गया। इस हजारों लोगों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। ये जो दावत इफ्तारी है, एक फोटो में उदय शंकर जी जो के MLC बने हैं उनकी तरफ से आयोजित किया गया था। समाज के सारे लोग यहाँ उपस्थित है, बारी सिद्दीकी साहब, जनाब साहिल साहब और साथ में अन्य कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या नजारा है इफ्तारी का। एक एक लोगों से आपको मिलाऊंगा, दिखाऊंगा क्या क्या इंतजाम किए गए थे यहाँ पे। और साथ में बारी सिद्दीकी क्या बोलते हैं, साहिल क्या बोलते हैं, भोला जाधव क्या बोलते हैं और सभी लोगों का मैं आपको बयान भी दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं किस तरह का यह आयोजन यहाँ किया गया था। अफ्तारी पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है यतीम खाना में, कैसे क्या है मामला पूरा बताइए। ऐसा है कि जो अपने मुल्क की तहजीब और संस्कृति है, जो हमारा मुल्क है, आज भी कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। उसका वजह है कि यहां विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति तहजीब को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के पूजा पाठ में यकीन करने वाले लोग रहते हैं। तो इस देश को सबसे अच्छा देश इसलिए माना जाता है कि यहाँ विभिन्नता के बावजूद एकता है और हर लोग जो है एक दूसरे के त्यौहार में, दुख में, सुख में शामिल होते हैं। तो मुस्लिम भाइयों का ये बड़ा पवित्र त्यौहार है, जैसे हिंदू भाइयों का छठ त्यौहार होता है। तो आप देखते होंगे छठ का त्यौहार जहाँ होता है तो मुस्लिम मोहल्ला का लोग जो है रोड साफ़ करता है, झाड़ू देता है, पानी देता है, कुछ लोगों को सूप बांटता है ऐसी। तो इसीलिए ये यहाँ रखी गई है इफ्तार पार्टी कि साहब हमारे पुरखों ने जो सीख हम लोगों को दी है इसको हम लोग और मजबूती से पकड़े रहे।
ठीक है। फातमी साहब कल सीएम साइंस कॉलेज में गए हुए थे, उन्होंने बताया कि यह तहजीब है, बहुत पहले से चली आ रही है परंपरा, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है तो उन्होंने नहीं किया अफ्तारी पार्टी। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से? अब किसी के क्या, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर हम कोई कॉमेंट नहीं करते। क्या पीएम आवास में होना चाहिए अफ्तारी पार्टी जो परंपरा है? हम उस पर कोई कॉमेंट नहीं करते हैं। हम खुद आए हैं यहाँ अफ्तार पार्टी में, यहाँ किसी भी तरह की राजनीति पे आए हुए हैं। पाक मुबारक महीना है, इस पे क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? रमजान का महीना पवित्र महीना है और हमारे सभी मुसलमान भाई पूरी नेकी के साथ हर दिन उपवास रखते हैं और देश में अमन चैन की दुआ करते हैं। तो ये जो महीना है, इस महीने में जो दुआ वो लोग करते हैं वो फलता फूलता है और इसमें जितने भी लोग हैं सब लोग को सहयोग करते हैं, रमजान में शरीक होते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का जो मिसाल है तो कहीं ना कहीं हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के धर्म पति के प्रति समर्पण और आस्था दिखाते हैं, जिसका नतीजा है जो हम लोग का एकता और अखंडता जिसका कायम है और यही कारण है कि हम लोग अफ्तार पार्टी में सभी संप्रदाय के लोग शामिल होकर के अपने साथियों को सहयोग। आप समस्तीपुर से यहाँ आए हुए हैं, अफ्तारी दावत रखी गई है, कैसे क्या हुआ कि आपका यहाँ आना हुआ? ये यतीम खाना है यहाँ पर और यहाँ पर उदय जी हैं हम लोग के पार्टी से जुड़े हुए नेता, जेएमसी के कैंडिडेट भी थे, उन्होंने अफ्तार पार्टी का आयोजन किया और रमज़ान का महीना जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बहुत कद्र इसका है और बहुत पवित्र महीना कहलाता है और इन्होंने अफ्तार पार्टी पूरे शहर के लोगों को और पूरे ज़िले के खास खास लोगों को बुलाया है। तो इसी मौके पर हम भी यहाँ पर आए हैं, हम लोग की दुआ है, प्रार्थना है कि इस मौके पर अमन हो, शांति हो, तरक्की हो, अपने देश के लिए तरक्की की दुआ हम लोग करेंगे। अगर भर गया तो फिर यहाँ पर एक अच्छा भाईचारा का वातावरण बनाए, इसके लिए हम उदय जी को, तमाम लोग को, दरभंगा के लोगों को मुबारकबाद बधाई। आपका शुभ नाम? इस्लाम शाहीन MLA। आप वार्ड पार्षद हैं इस वार्ड के? जी जी। हम कौन से मोहल्ले में आता है ये यतीम खाना वार्ड नंबर? ये वार्ड नंबर 37 यतीम खाना नियर दुनुमा इमामबाड़ी के आसपास में। जी, अभी तक का सबसे भव्य लग रहा है अफ्तारी दावत, कितने लोग तकरीबन आए हैं इसमें? यहाँ पर लगभग 1000 आदमी हैं। किस तरह से आपने सक्सेसफुल बनाया इस तरह के अफ्तारी पार्टी में सहयोग देकर? 4-5 दिन पूर्व से जो है इसकी तैयारी चल रही थी, जो ये आवाम मतलब टोटल आवाम को जो है लगातार हम लोग इन्वाइट कर रहे थे जी। और लोगों से मदद भी मांग रहे थे कि एक दूसरे को लोगों को बोलिए थोड़ा सा, इस तरह से जो भी समाज में बड़े से लेकर छोटे तबके के सभी लोगों को इन्वाइट किया गया है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया। मेहमान खास में कौन कौन से अतिथि पता रहे? मेहमान खास में जो है यहाँ शहर के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सब प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप अपना यहाँ पर जो पार्टी हुआ ये उदय शंकर यादव हैं, RJD के जो जो अभी पूर्व में जो MLC के कैंडिडेट थे उनके द्वारा किया गया आयोजन, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो इस तरह से ये अफ्तार पार्टी करने से जो है समाज में आपसी सौहार्द बना रहता है एक दूसरे से जो है, और हम लोग अफ्तार पार्टी पर दुआ करते हैं देश में अमन चमन कायम रहे, एक दूसरे भाईचारा बनी रहे। ठीक है, साथ में मोहम्मद रियासत अली वार्ड पार्षद से दरभंगा नगर। धन्यवाद।